सोशल मीडिया पर शादी का एक विज्ञापन वायरल हो रहा है। इसमें एक तलाकशुदा दुल्हन ने होने वाले दूल्हे को लेकर ऐसी ऐसी डिमांड रखी है जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। दुल्हन ऐसा जीवन साथी चाहती है जो साल में 30 लाख रुपए कमाता हो। अगर दूल्हा NRI है तो उसका पैकेज 80 लाख रुपए सालाना होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी की क्या बात। जी हाँ, बिल्कुल हैरानी की बात है, क्योंकि दुल्हन खुद सिर्फ 10,000 रुपए महीना कमाती है। यही नहीं, उसके शौक भी बिल्कुल रईसों वाले हैं। सोशल मीडिया पर इस दुल्हन को यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। 39 साल की महिला महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है। मेट्रोमोनियल वेबसाइट पर दिए गए बायोडेटा में लड़की ने लिखा, वो पेशे से टीचर है। सालाना पैकेज 1,32,000 रुपए का है। उसका तलाक हो चुका है और अब दोबारा शादी करना चाहती है। इस तलाकशुदा दुल्हन को जो दूल्हा चाहिए उसकी न्यूनतम सालाना सैलरी 30 लाख रुपए होनी चाहिए। उसे एक ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो भारत, अमेरिका या फिर यूरोप में बसा हो। महिला ने अपने विज्ञापन में अपनी पसंद का भी जिक्र किया। उसने कहा उसे यात्रा और 5-स्टार होटल में रहना पसंद है। इसके अलावा उसने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति उसका पति बनेगा उसके पास कम से कम 3+ BHK का घर होना चाहिए, जहां महिला के माता पिता भी रह सके। विज्ञापन के मुताबिक शिक्षा इंजीनियर को पसंद करेगी, साथ ही उसे MBA या MS की भी तलाश है। सोशल मीडिया पर यह विज्ञापन वायरल हुआ तो यूजर्स इस दुल्हन को ट्रोल करने लगे। कुछ ने इस पोस्ट पर फनी रिएक्शन भी दिए।